बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग और एक मज़ेदार सा ड्रिंक, पीच यानी आड़ू का जूस, जो कि बहुत ही हेल्दी है और हर एज के लोगों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने पीच लिए और उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर उनको ड्राई कर लिया। अब इस वक्त जो मैं जूस बना रही हूँ, मैं तकरीबन 6 से 7 पीच का बनाऊँगी। सबसे पहले हम जो पीच लेंगे उनको हम पील कर लेंगे, उनका बारीक बारीक सा हम सारा छिलका उतार देंगे, क्योंकि जब हम पीच को ग्राइंड करते हैं तो इसका ये जो छिलका है ये अच्छी तरह से अंदर ग्राइंड नहीं होता, इसके छोटे छोटे से चंक्स रह जाते हैं जो कि फिर पीने में मज़े के नहीं लगते। इनको हम अच्छी तरह से सारे पीच को पील कर लेंगे। तमाम पीच जो हैं वो पील करके मैंने रख लिए। अब हम करेंगे इनकी कटिंग। इसकी गुठली को अंदर से हम अलग कर देंगे और इस पीच को जो है हम इसके छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस काट लेंगे। इस तरह से हम इस सारे पीच को इससे अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम पीच के पीसेस कर लेंगे। मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस की जो रेसिपी है इनको ट्राई ज़रूर करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और नए व्यूअर्स जो हैं वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो उन तक पहुंच सके। तमाम पीच की हमने स्लाइस कटिंग कर ली। अब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। तमाम पीच के स्लाइसेस हमने ब्लेंडर में डाल दिए। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून काला नमक। काले नमक का जायका इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये है तो ये प्रेफरेबल है। ये डाला जाएगा इसमें। फिर इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून चीनी। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी इससे कम कर लें, ये एक आइडियल इसमें मीठा होगा। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 5 चम्मच तक इसमें डाल सकते हैं। ये मैं 3 टेबलस्पून इसमें 3 चीनी डाल रही हूँ। और अब इसमें जाएगा तकरीबन 3 मीडियम से ग्लास, जो शीशे के ग्लास होते हैं, वो पानी के जाएंगे इसमें। पानी डालने के बाद अब हम इसको करेंगे बंद और इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको तकरीबन 1 मिनट तक ब्लेंड किया और अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। हमने जूस को ब्लेंड करते वक्त ब्लेंडर के अंदर आइस नहीं डाली थी, इसलिए सबसे पहले ग्लास के अंदर हम क्रश आइस डालेंगे और फिर इसके अंदर जूस को पोर करेंगे। ये है जी पीच का जूस, जो फ्यू मिनट्स में बनके रेडी हो गया है। आप इसको अभी बनाएं और इंजॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।